अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था उसमें इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट था उसमें हम अभी इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है ये। इंग्लिश का आपको 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के लिए। आइडेंटिफाई द शेप गिवन इन द पिक्चर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये शेप कैसा है या चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन जो है शेप की नुमाइंदगी कर रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है उसको। तो ये कोन की जैसा है। कैसा है कोन? तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसके लिए एक आएगा। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और फिर करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। देयर इज अ काउ, देयर इज अ ट्री। तो काउ कहां पर है? अंडर द ट्री। क्या बोलेंगे? ओवर बोलेंगे, अबव बोलेंगे, इनटू बोलेंगे? नहीं, बल्कि अंडर कहेंगे। दरख्त के नीचे है गाय, दरख्त के नीचे है। तो ऑप्शन नंबर तीन रहेगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द सन इज ऑलवेज इन द डेडेस्ट डायरेक्शन एट 6 PM। शाम के 6 बजे जो है सन किधर, किस डायरेक्शन में हमेशा होता है? तो वो किधर होता है? वो होता है वेस्ट में। क्या होता है? वेस्ट में होता है। फाइंड द अपोजिट वर्ड, अपोजिट ऑफ द वर्ड सेम। सेम का जो है अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है, और वो सेम का क्या रहेगा? डिफरेंट। क्या रहेगा? डिफरेंट। ऑप्शन नंबर तीन। फाइंड द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट पंक्चुएशन मार्क। यहां से हमको इन करेक्ट पंक्चुएशन मार्क वाले सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। हाउ आर यू, ये सही है। व्हाट अ सरप्राइज, ये भी सही पंक्चुएशन मार्क है। हाउ नाइस, ये भी सही है। ये हाउ आर यू, ये क्या है? हाउ आर यू क्वेश्चन है, इसलिए ये सही नहीं होगा। क्या है? क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क आता तो सही होता। ये बाकी जो है, ये क्रेजी वाला भी, आर यू क्रेजी, ये सब सही पंक्चुएशन मार्क के साथ है, ये रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क के साथ है। ठीक है, हाउ आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क देने के बजाय क्या दिया है? एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, इसलिए पहला जो है पंक्चुएशन मार्क के हिसाब से गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही डेडेश अ लेटर यस्टरडे। काम यस्टरडे यानी गुजरे हुए कल में हो गया, तो क्या कहेंगे? रोड। ही रोड अ लेटर यस्टरडे, ऑप्शन नंबर टू। रीड द राइडल गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू ओपन योर माउथ टू डू इट। इसको इट शोज यू आर स्लीपी। व्हाट इज इट? जो जमाई हम लेते हैं, सोने की जो कैफियत बनती है, और जो मुंह खोलते हैं बड़ा सा, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? यौन। यौन कहते हैं जमाई लेने का। इस तरह का एक क्वेश्चन होता है, उसको कैसे हल करते हैं आपने याद रखना है। लैडर जो है ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, लैडर। तो आपने इसको कैसे समझना है कि कितनी मरतबा जो लेटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ई में ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एल में ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एच में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और नीचे सिर्फ जी के वक्त आ रहा है। तो तीन मरतबा ऊपर जा रहा है, एक मरतबा नीचे की तरफ। तो यहाँ तीनों मरतबा ऊपर है, नीचे नहीं है। यहाँ एक ही मरतबा ऊपर है, ठीक है, यहाँ दो मरतबा ऊपर, एक मरतबा नीचे, लेकिन यहाँ तीन मरतबा ऊपर है, एक मरतबा नीचे है। बराबर करेंगे उसको तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही आंसर होगा। इसको देखिए, आइडेंटिफाई द गेम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कौन सा गेम है? तो स्किपिंग रोप ये गेम है, इसको स्किपिंग रोप कहते हैं। बाकी के गेम आप जानते हैं, हाइड एंड सीक छुपने वाला गेम होता है। सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन टू कंप्लीट द मोटो। इस मोटो को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर ऑप्शन चूज कीजिए। आपने जो है आपकी स्कूल वगैरह में देखा होगा, लिखा होगा या सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही दौलत है। तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, इसको समझना होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम कहते हैं, थर्ड आपने सुना होगा, मोटो आपने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ, ऑप्शन नंबर टू इज राइट। लुक एट द चार्ट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। चार्ट को देखना है, हेड पाम है ना, हथेली होता है, एल्बो होते, फिंगर्स होते हैं, और रिस्ट कलाई है ना, क्या आएगा? रिस्ट, ऑप्शन नंबर फोर। ये सब हैंड के पार्ट है।
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फेब्रुवरी इज। यहां पर ऑर्डिनरी नंबर और कार्डिनल नंबर के हिसाब से आपने इसको सोच रहे हैं, फेब्रुवरी इज द सेकेंड, क्या है ना, सेकेंड सेकेंड आएगा, सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, क्या रहेगा, सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, ऑप्शन नंबर वन। व्हाट विल यू राइट इन द फॉलोइंग टाइमलाइन, तो यहां पर प्रेजेंट में फाइंड, पास्ट में क्या आएगा और फ्यूचर में विल फाइंड है अगर, तो क्या आएगा, फाउंड, वो पास्ट में क्या हो जाता है, फाउंड हो जाता है, फाइंड का फाउंड हो जाता है, ऑप्शन नंबर दो। ये शक्ल आपको याद होना चाहिए वर्ब की। सिलेक्ट द सेट विच हैज डिफरेंट साउंड, ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें अलग आवाजें जा रही हो, क्या मेरा कैसल कैबेज कैट, इसमें आवाजें मिल रही है, हैट हैंडल हैमर हैंड, इसमें भी आवाजें मिल रही, किटन केटल नाइफ किंगडम, यहां बिल्कुल आवाज चेंज हो रही है ना, मैट मैप मैन मैंगो, ये भी मिल रही है, तो ये डिफरेंट आवाज वाला है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही जवाब होगा। चूज द मिसमैच पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, डियर 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 का प्लूरल फॉर्म डियर ही होता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स होता है, माउस का माइस होता है, ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता है बल्कि ऑक्सेन होता है, क्या होता है, ऑक्सेन, मैं आपको ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बताया था, ऑक्स का ऑक्सेन होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो रॉन्ग पेयर कौन सी है, मिसमैच पेयर फोर्थ नंबर की है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड लिफ्ट, ये पिछले साल पेपर में भी आया था, एक दो साल पहले के पेपर में था लिफ्ट, इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ द बॉक्स, क्या रहेगा, द बॉक्स। चूज द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर विच कम्स आफ्टर 12, सॉरी आफ्टर 11 के बाद कौन सा आता है कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर आता है 12, लेकिन आपने इसकी स्पेलिंग देखना है, 12th है ना, क्या आएगा, 12th आएगा, स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर करके दी गई है, तो ऑप्शन नंबर तीन सही रहेगा हमारा। चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स फॉर ए एंड बी, डीप का अपोजिट वर्ड क्या है, शैलो, अगली का क्या है, ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन नंबर तीन सही रहेगा। कंप्लीट द बॉक्स बाय चूजिंग द करेक्ट एक्शन वर्ड फॉर द गिवन वर्ड, स्पाइन है, वॉश ईट बाय, तो क्या आएगा, कुक, क्या रहेगा, कुक, बाय कुक वॉश ईट, ये चारों उसमें आएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड शेप, शेप कौन सा दिया हुआ इसमें से, हाई शेप है क्या, नहीं, फास्ट, ये भी शेप नहीं, ये लो भी शेप नहीं, क्या है शेप, सर्कल शेप है, ऐसे क्वेश्चन में शेप का जब पूछता है तो आपने तवज्जो देना है, शेप को समझना है। चूज द करेक्ट मोटो फ्रॉम द गिवन ब्लो, वी विल ऑल बी क्वाइट टुगेदर, हम सब साथ में समझ पड़ेंगे, ये कोई मोटो है क्या, नहीं, गिव मी अ स्टोरी बुक, ये भी मोटो नहीं है, प्रोटेक्ट ऑल प्लांट्स, ये एक मोटो है, ठीक है, फॉर गिवन ग्रुप्स ऑफ 10, क्या है मोटो, प्रोटेक्ट ऑल प्लांट्स, ऑप्शन नंबर तीन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ही हैज बाउट, ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जो है वॉवेल वाले वर्ड से पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ेगी, या वॉवेल वाले साउंड वाले वर्ड से पहले, तो आपने एन लगाना है, तो क्या है ना यहाँ पर एन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो हमारा करेक्ट होगा। इसको देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये पिक्चर कौन सी बता रही, क्या बता रही, प्राउड बता रही क्या, स्लीपी, शाय, नहीं बल्कि ये स्कैर्ड, घबराया हुआ है, डरा हुआ, स्कैर्ड। हाउ मेनी कैपिटल लेटर शुड बी इन द गिवन सेंटेंस, कितने कैपिटल लेटर आएंगे सेंटेंस में, तो आए एक सोपान में, एक भोसले में, कितने आएंगे, तीन, कितने रहेंगे कैपिटल लेटर, तीन कैपिटल लेटर रहेंगे, नाम में कैपिटल लेना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विच हैज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स वाला सेंटेंस हमने तलाश करना है, ओह नो, व्हाट शल आई डू नाउ, ये करेक्ट पंक्चुएशन मार्क वाला सेंटेंस है, यहाँ ओ के बाद में डॉट दे दिया है इसलिए ये रॉन्ग है,
ये ओह के बाद में भी कॉमा दिया है इसलिए रहोगे, यहाँ भी ओह के बाद में दे दिया है इसलिए रहोगे। राइट क्या है? ऑप्शन नंबर एक है, तो हम ऑप्शन नंबर एक को करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने इंग्लिश का पर्चा हल किया है, पेपर सॉल्व किया है, इसके बाद मेंटल एबिलिटी का पेपर हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप इसको जो है इसको समझिए, इसके बाद इंशाल्लाह मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन दे जाएंगे उसको भी अच्छी तरह से समझिए, उस पर से प्रैक्टिस कीजिए। जजाकल्लाह खैर।